महाराष्ट्र में सत्ता जाने के बाद उद्धव ठाकरे की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। विधायकों और सांसदों के बाद बड़ी संख्या में कारपोरेटरों ने भी उनके खिलाफ बगावत कर दी और शिंदे गुट के साथ चले गए। यहां तक कि राष्ट्रपति चुनाव में भी उद्धव ठाकरे को मजबूरी में द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करना पड़ा, जबकि मुर्मू ने मुंबई आकर भी उनसे मुलाकात तक नहीं की। वहीं अब ऐसा ही कुछ उनके बेटे आदित्य ठाकरे के साथ भी हो रहा है, यानी आदित्य के पाले के नेता भी साथ छोड़कर जाने लगे हैं। कहा जा रहा है कि संजय राउत की तरह ही आदित्य ठाकरे से भी शिंदे गुट की नाराजगी है, इसीलिए अब शिवसेना में हर तरफ सिर्फ बगावत का दौर दिखाई दे रहा है। आदित्य ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना की युवा विंग में नेता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। सत्ता गंवाने के बाद शिवसेना के लिए इसे एक और बड़ा झटका माना जा रहा है। युवा सेना के सचिव और ठाणे महानगर पालिका से पार्षद पूर्वेश सरनाईक पहले ही शिंदे खेमे में शामिल हो चुके हैं। अब उन्होंने सीएम एकनाथ शिंदे के आधिकारिक आवास पर बड़ी संख्या में युवा सेना के कार्यकर्ताओं समेत समर्थन देने का ऐलान किया। पूर्वेश विधायक प्रताप सरनाईक के बेटे हैं। उन्हें दिसंबर 2020 में ईडी ने समन भेजा था, लेकिन उन्हें अप्रैल 2021 में बॉम्बे हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई। गौरतलब है कि इससे पहले विधायकों और सांसदों के बाद मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया की महानगर पालिकाओं से बड़ी संख्या में कारपोरेटरों ने एकनाथ शिंदे को समर्थन देने का ऐलान किया था। नवी मुंबई, कल्याण डोंबिवली, उल्हासनगर, अंबरनाथ बदलापुर और मीरा भयंदर में शिवसेना के सैकड़ों कारपोरेटर एकनाथ खेमे में शामिल हो गए थे। कारपोरेटरों के अलावा भिवंडी, साहापुर, वसई और पालघर में कई जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों ने भी एकनाथ शिंदे को समर्थन देने का ऐलान किया था। इसके अलावा विधायक योगेश कदम के नेतृत्व में रत्नागिरी में मंदनगढ़ और दपोली पंचायत समिति के 12 पार्षद शिंदे समूह में शामिल हुए, जबकि पालघर से शिवसेना सांसद राजेंद्र गावित की मौजूदगी में वसई बिरार से 5, विक्रमगढ़ से 19, तलासरी से 5 और मोगदा नगर पंचायत से 12 पार्षदों ने बीजेपी शिंदे गठबंधन सरकार को अपना समर्थन देने का फैसला किया। गौरतलब है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना में बगावत के बाद बागी विधायकों और भाजपा ने मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई है। शिंदे बीजेपी के समर्थन से राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, तो वहीं देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम हैं। लेकिन इसके बाद से उद्धव ठाकरे लगातार कमजोर होते जा रहे हैं और शिंदे अब शिवसेना पार्टी पर भी अपना कब्जा जमाने की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। एकनाथ शिंदे के हाथों लूटे पीटे उद्धव ठाकरे जैसे तैसे नई शिवसेना बनाने में जुटे हैं। दूसरी तरफ उनके सिपह सलार संजय राउत कभी ट्विटर पर तो कभी सामना के जरिए फिल्मी डायलॉग सुना रहे हैं। जैसे जैसे एकनाथ शिंदे शिवसेना पर कब्जा करते जा रहे हैं, संजय राउत उसी तेजी से डायलॉगबाजी कर रहे हैं, बीच बीच में शायरी भी सुनाते जा रहे हैं। 40 विधायक चले गए, 14 सांसद चले गए, शिवसेना की कार्यकारिणी भंग कर दी गई, युवा सेना से आदित्य ठाकरे को निकालकर बाहर कर दिया गया, लेकिन जनाब संजय राउत के डायलॉग जारी है। मानो ये डायलॉग नहीं कोई मंत्र हो जिसका पाठ करने से डूबती हुई शिवसेना बच जाएगी। उद्धव ठाकरे पार्टी बचाने के लिए चुनाव आयोग के दरवाजे पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ संजय राउत अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। ठाकरे परिवार जहां पार्टी पर कंट्रोल के लिए जूझ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ संजय राउत शेरो शायरी करने में जुटे हैं। दरअसल संजय राउत ने एक शायरी ट्वीट की है। संजय राउत ने ट्वीट कर लिखा है कि फन कुचलने का हुनर भी सीखिए, सांप के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। संजय राउत ने अपने ट्वीट के अंत में जय महाराष्ट्र भी लिखा है। संजय राउत शायराना अंदाज में नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना अपने मुखपत्र सामना के जरिए तेवर दिखा रही है। शिवसेना के बागियों ने जिस भाजपा के साथ मिलकर सूबे में सरकार बनाई है, सामना के जरिए पार्टी उसके खिलाफ आक्रामक है। सामना के जरिए शिवसेना ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सामना में लिखा है कि जरूरी वस्तुओं के दाम आसमान पर पहुंचाने के बाद अब मोदी सरकार ने किचन की जरूरी वस्तुओं पर भी जीएसटी का वार किया है। गरीब और मध्यम वर्ग की कमर तोड़ने का निश्चय कर लिया गया है। रसोई घर में प्रतिदिन इस्तेमाल की जाने वाली दही, छाछ, पनीर, पैकेट बंद आटा, चीनी, चावल, गेहूं, सरसों, जौ पर पहली बार ही 5% जीएसटी लगाई गई है। डेयरी उत्पाद और अनाज के साथ गरीब और मेहनत कश लोग जो लाई वगैरह का सेवन करते हैं, उस पर भी जीएसटी लगा दी गई है। सामना में सरकार पर तंज करते हुए लिखा है कि अच्छे दिन का गाजर तो सरकार ने पहले ही तोड़कर खा लिया है। यह सपना दिखाकर सत्ता में आने वालों को कम से कम जीवन से जुड़ी आवश्यक वस्तुओं की दर बढ़ाने से पहले जन की नहीं तो मन की सुननी चाहिए थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अग्निपथ योजना के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। इतना ही नहीं, अलग अलग राज्यों के हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं को भी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। मतलब यह कि अब अग्निपथ योजना के खिलाफ सभी मामलों की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में होगी। इस दौरान योजना का विरोध करने वाले याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई। असल में अग्निपथ योजना के खिलाफ याचिकाओं पर
कोर्ट जब आदेश लिखवा रहा था तब याचिकाकर्ता मनोहर लाल शर्मा टोकाटाकी कर रहे थे। इस दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने मनोहर लाल शर्मा को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि आप भले वीर होंगे लेकिन अग्निवीर तो कतई नहीं है और आप भविष्य में अग्निवीर नहीं बनने जा रहे, इसलिए बेवजह टोकाटाकी ना करें, सब्र रखिए। सरकार ने हाल ही में तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना का ऐलान किया था। इस योजना में 4 साल नौकरी का प्रावधान है। इसके बाद 75% जवान रिटायर हो जाएंगे जबकि 25% जवानों को आगे भी मौका दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि रिटायर होने वाले जवानों को दूसरी जगह नौकरी में भी सरकार मदद करेगी। इस योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं लगाई गई थी। याचिकाओं में अग्निपथ योजना पर रोक, उसकी समीक्षा, उसे रद्द करने जैसी मांगे रखी गई हैं। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि जो लोग पहले से सेना की नौकरी पाने की प्रक्रिया में हैं उनके ऊपर यह योजना लागू नहीं की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अग्निपथ योजना के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के पास लंबित तीनों याचिकाओं को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए ट्रांसफर कर दिया। अब दिल्ली हाई कोर्ट ही अग्निपथ योजना से संबंधित अन्य हाई कोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर भी सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अग्निपथ योजना के खिलाफ अलग अलग हाई कोर्ट में 6 याचिकाएं दायर हुई हैं। बेहतर होगा कि सभी याचिकाओं की सुनवाई किसी एक जगह हो। इस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आप एक ट्रांसफर पिटीशन दायर कर दीजिए, हम हाई कोर्ट को सभी याचिकाएं सुनवाई करने को भेज देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के एक दिन पहले एकनाथ शिंदे ने बड़ा दांव चल दिया। एकनाथ शिंदे की अगुवाई में शिवसेना के 12 सांसद अमित शाह से मिले। उनसे हुई मुलाकात के बाद सांसदों का काफिला लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पास पहुंचा, जहां उन्होंने संसद में अलग गुट की मान्यता देने की मांग की। इसके बाद एकनाथ शिंदे नेताओं के साथ चुनाव आयोग के सामने पेश होंगे और शिवसेना पर अपना दावा करेंगे। तर्क यह कि 2/3 से ज्यादा विधायक और सांसद उनके साथ हैं, फिर शिवसेना उनकी हुई। इस बीच एकनाथ शिंदे ने यह कहकर खलबली मचा दी कि उनके साथ सिर्फ 12 नहीं बल्कि 18 सांसद हैं। केंद्र सरकार ने अहम फैसला लेते हुए शिवसेना के 12 सांसदों को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की। मुंबई में उद्धव ठाकरे ने बैठक बुलाई है। इस मीटिंग में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को बुलाया गया है, साथ ही महानगर पालिका अध्यक्षों को भी इस मीटिंग में शामिल रहने का निर्देश भेजा गया है। विधायकों की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे ने 29 जून को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। महाराष्ट्र संकट को लेकर अब सबकी नजर 20 जुलाई को होने वाली सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और हेमा कोहली की पीठ उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले खेमे और एकनाथ शिंदे खेमे की याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही शिवसेना की लड़ाई में नया मोड़ आएगा। शिवसेना के 40 विधायक और 13 सांसद उद्धव की शिवसेना से अलग हो गए हैं। बागी गुट के नेता और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सांसदों और विधायकों की संख्या के आधार पर दावा किया है कि उनके पास 2/3 जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए असली शिवसेना अब उनकी वाली है। 21 जून को हुई कार्यकारिणी की बैठक को अगर आधार माना जाए तो उद्धव के पास कार्यकारिणी का बहुमत है, इसीलिए विद्रोहियों के लिए यह मुश्किल में डालने वाला हो सकता है। इस बैठक में पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे को फिर से चुना गया था। सभी ने उद्धव ठाकरे को पार्टी के फैसले लेने का अधिकार दिया था। बैठक में यह भी तय किया गया कि शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के नाम का इस्तेमाल कोई और नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र सहित देश भर के राजनीतिक गलियारों में जिस बात की चर्चा अब तक बाकी लोग कर रहे थे, वही बात अब उद्धव ठाकरे खुद भी कहने लगे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे गुट की लड़ाई पर सर्वोच्च न्यायालय में अहम सुनवाई से एक दिन पहले उद्धव ठाकरे ने कहा है कि बीजेपी वास्तव में शिवसेना को खत्म करने का प्रयास कर रही है। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करते हुए कहा कि उनकी नज़रों में बीजेपी ही असल में शिवसेना को खत्म करने का प्रयास कर रही है। उत्तर भारतीय महासंघ नेताओं को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे मुर्गा लड़ा रहे हैं। इस लड़ाई में जब एक मुर्गा मर जाएगा तब वो दूसरे मुर्गे को मारकर शिवसेना खत्म कर देंगे, इस तरह उनकी मंशा पूरी हो जाएगी। यही नहीं, उद्धव तो यहाँ तक मानते हैं कि उनकी पार्टी का कोई भी सदस्य गद्दार नहीं है बल्कि बीजेपी ने उन्हें गुमराह कर अलग करने का काम किया है। इस बारे में उद्धव कहते हैं कि मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मेरे लोगों ने हमारा साथ छोड़ दिया, बल्कि तकलीफ इस बात की है कि बीजेपी शिवसेना को खत्म करना चाहती है। जिस शिवसेना पर यह दावा ठोक रहे हैं वो भी मेरे पास है। हमारे लोग गद्दार नहीं हैं, हमारे लोगों को गुमराह कर गद्दारी का काम बीजेपी कर रही है। वैसे एक तरफ उद्धव ने बीजेपी पर निशाना साधा है तो दूसरी तरफ उन्हें सीधी चुनौती भी दे डाली है। उद्धव द्वारा ये साफ कर दिया गया है कि बीजेपी उनके तर्कस से कितने भी तीर क्यों ना निकाल ले, लेकिन असल धनुष उनके पास ही रहने वाला है। उद्धव ने फिर से साफ किया कि असल शिवसेना वही है
उनके पास पूरी पार्टी का समर्थन है और शिवसेना को कोई भी तोड़ने का काम नहीं कर सकता है। वहीं उद्धव ने आगे कहा कि आप मेरे तर्कस से कितने भी तीर क्यों ना निकाल लीजिए, लेकिन उस तीर को चलाने के लिए जिस धनुष की आपको जरूरत होगी वो मेरे पास ही है। गौरतलब है कि उद्धव का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे चुनाव आयोग से मिलने की बात कर रहे हैं और वो पार्टी पर अपना दावा और मजबूत करने के प्रयासों में लगे हैं। शायद इसीलिए उद्धव ने बीजेपी को सीधी चुनौती भी दी है। दरअसल उद्धव यह दिखाना चाहते हैं कि वे अभी भी पार्टी पर पूरी तरह पकड़ रखते हैं और उन्हें भरोसा है कि शिवसेना को उनसे कोई भी नहीं छीन सकता है। बहरहाल महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव और शिंदे गुट के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दोनों तरफ से शिवसेना पर दावे की बातें हो रही हैं। खुद को असल शिवसैनिक बताया जा रहा है। अब शायद यह लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही अंजाम तक पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच में जुबानी जंग जारी है। उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर हर दिन बड़ी संख्या में शिवसेना के नेता और कार्यकर्ता शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं। इस बीच रामदास कदम ने उद्धव गुट पर जोरदार हमला किया है। रामदास कदम ने कहा कि आखिरकार शिवसेना में फूट पड़ी, यदि एकनाथ शिंदे ने बगावत न की होती तो 2.5 साल बाद महाराष्ट्र में शिवसेना का एक भी विधायक नहीं जीतता। मैं पूरी ईमानदारी के साथ फिर से शिवसेना और एकनाथ शिंदे गुट को मिलाने का प्रयास करूंगा। जब शिंदे गुवाहाटी में थे तभी मैंने यह प्रयास किया था। कदम ने कहा कि मेरे और मेरे बेटे का राजनीतिक भविष्य बर्बाद करने का प्रयास किया गया, लेकिन मैं अभी भी चुप हूँ। मेरी क्या गलती है? मेरे पास कई चीजें हैं, मैं नहीं बोलूंगा। अगर बोल दिया तो भूकंप आ जाएगा। रामदास कदम ने कहा कि मेरे प्रयासों को सफलता भी मिली थी। उस दौरान शिंदे ने कहा था कि उद्धव ठाकरे अगर एनसीपी का साथ छोड़ते हैं तो हम सब वापस मातोश्री आ जाएंगे, लेकिन मातोश्री में शरद पवार चले गए। उन्होंने वहाँ कुछ गुरु मंत्र दिया और उसके बाद यह सब शुरू हो गया जो पूरे देश ने देखा। रामदास कदम ने कहा कि मेरे जैसे इंसान पर कौन आरोप करेगा, किसकी हिम्मत है, कौन अरविंद सावंत, कौन विनायक राउत, उनकी मेरे सामने बोलने की हैसियत भी नहीं है। मैंने अपने जीवन के 52 साल शिवसेना पार्टी को दिए हैं, कई मुकदमे अपने सर पर लिए हैं, जेल भी गया हूँ। कदम ने कहा कि साल 2005 में बाला साहब ने मुझे बेलगांव भेजा था, वहाँ पर मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। उस दौरान मुझे 10 लाख रुपए की जमानत भी लेनी पड़ी थी। या इतना सब करने के बाद ऐसे लोग मुझे पार्टी के प्रति निष्ठा का पाठ पढ़ाएंगे? रामदास कदम ने कहा कि मेरा आगे भी यही प्रयास रहेगा कि बाला साहब की शिवसेना अभेद और टूट रहे, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना बढ़े और दोबारा भगवा लहराए। कदम ने कहा कि अब मैं महाराष्ट्र के बाहर दौरा करूंगा, खास तौर पर उन जगहों पर जहां एनसीपी अपने लिए जमीन तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र की सियासत में लगातार झटके पर झटके झेल रहे उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लगा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राहुल सेवाले को शिवसेना नेता के रूप में मान्यता दे दी है। गौरतलब है कि आज सुबह ही शिवसेना के 19 में से 12 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर राहुल सेवाले को अपना नेता और भावना गवली को चीफ व्हिप बनाने की अपील की थी। वहीं सेवाले और भावना गवली उद्धव गुट को छोड़कर शिंदे गुट से जुड़ने वाले सबसे पहले सांसदों में से एक हैं। इससे पहले बीजेपी का कहना था कि लोकसभा में 19 में से 14 सांसद अब ठाकरे के साथ नहीं हैं। ये सारे सांसद अब एकनाथ शिंदे कैंप के साथ आ चुके हैं। इसके बाद इनमें से 12 सांसदों को वाई श्रेणी की सुरक्षा भी दी गई थी। वहीं अब एकनाथ शिंदे के इस बयान ने उद्धव की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। दरअसल एकनाथ शिंदे गुट ने लोकसभा में दावा किया था कि उनके पास शिवसेना के 12 सांसदों का समर्थन है जो उन्हें मान्यता देने के लिए काफी है। इसीलिए शिंदे गुट की तरफ से राहुल सेवाले का नाम लोकसभा में शिवसेना के नेता के तौर पर रखने का अनुरोध किया गया था, जिसे ओम बिरला ने स्वीकार कर लिया है। यह एकनाथ शिंदे के लिए उद्धव ठाकरे पर बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा में शिंदे पहले ही उद्धव ठाकरे को पटकनी दे चुके हैं। अब संसद में भी शिंदे गुट के सांसद को शिवसेना की कमान मिलना जाहिर करता है कि शिवसेना की कमान उद्धव के हाथ से निकलते हुए दिख रही है। हालांकि उद्धव ठाकरे को शिवसेना प्रमुख से हटाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उनका चयन शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से लेकर पार्षद और स्थानीय स्तर के नेताओं द्वारा किया गया है। बता दें कि उद्धव ठाकरे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को भंग करते हुए सीएम एकनाथ शिंदे गुट ने नई कार्यकारिणी का गठन भी किया है। इस कार्यकारिणी के नेता के तौर पर एकनाथ शिंदे के नाम पर मोहर लगाई गई है। हालांकि उद्धव ठाकरे ने इस कार्यकारिणी को नकार दिया। बहरहाल अब एकनाथ शिंदे गुट लगातार मजबूत हो रहा है और शिवसेना पार्टी पर उसका दावा और पुख्ता हो गया है। यही नहीं, अब पार्टी के सिंबल तीर धनुष पर दावे के लिए शिंदे गुट चुनाव आयोग में भी जाने की तैयारी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हुए एक ऐसा बयान दिया जिसकी चर्चा
पूरे देश में होने लगी। पीएम मोदी ने बिना किसी पार्टी का नाम लिए विपक्ष पर हमला बोला और रेवड़ी कल्चर से दूर रहने की अपील की। दरअसल पीएम मोदी की यह टिप्पणी चुनावों से ठीक पहले लोगों में मुफ्त चीजें बांटने का वादा करने वाले राजनीतिक दलों के लिए थी। मोदी के इस बयान के बाद सबसे अधिक मिर्ची दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल को लगनी थी और लगी भी, क्योंकि उनसे ज्यादा मुफ्त स्कीम के वादे शायद ही किसी राजनेता ने किए हों। लेकिन दिल्ली भाजपा ने इस मौके को लगे हाथ लपक लिया और केजरीवाल की पोल खोल दी। भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केजरीवाल को स्वास्थ्य और शिक्षा पर बहस करने की चुनौती दे डाली। उन्होंने दावा किया कि केजरीवाल की रेवड़ी राजनीति के कारण दिल्ली की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी दर घटकर -3.9% पर आ गई है, जबकि देश की जीडीपी दर 8.2% है। उन्होंने कहा कि रेवड़ी बांटने का ही नतीजा है कि अब दिल्ली का राजस्व 61,891 करोड़ रुपए है, जबकि खर्च 71,085 करोड़ रुपए। यही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि केजरीवाल को लोगों को बताना चाहिए कि उनके कितने मंत्री, विधायक और नेताओं के बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। गुप्ता ने सवाल किया कि अगर दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर है तो केजरीवाल और उनके मंत्री सरकारी खर्च पर निजी अस्पतालों में इलाज क्यों नहीं करवाते हैं। गुप्ता ने हाल ही में आई कैग की रिपोर्ट का सहारा लेते हुए कहा कि इस रिपोर्ट में चिंता व्यक्त की गई है कि सब्सिडी के रूप में राज्य सरकार का खर्च 2015-16 में 1,867.61 करोड़ रुपए से बढ़कर 2019-20 में 3,592.94 करोड़ रुपए हो गया। बिजली शुल्क में वृद्धि, स्वास्थ्य और शिक्षा पर चर्चा के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ समय मांगते हुए गुप्ता ने कहा कि अगर केजरीवाल के पास लोगों की समस्याओं के लिए समय नहीं है तो भाजपा बड़े विरोध के माध्यमों से मुद्दों को उठाएगी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी का बयान अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे ही राजनीतिक दलों पर निशाना था जो मुख्य विकास करने की जगह चुनाव प्रचार में सत्ता में आने पर मुफ्त बांटने का वादा करते हैं। पीएम मोदी ने लोगों को वोट के लिए मुफ्त उपहार देने की इसी रेवड़ी कल्चर के खिलाफ आगाह किया था। उन्होंने कहा कि रेवड़ी कल्चर से दूर हम नई सड़कें और रेल रूट बनाकर लोगों की आकांक्षाएं पूरी कर रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था और तेजी से सुधार के साथ बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। हालांकि केजरीवाल का कहना है कि उनकी सरकार की निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बिजली की योजनाएं मुफ्त की रेवड़ी नहीं है, बल्कि भारत को दुनिया का नंबर एक देश बनाने की नींव रखने का प्रयास है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।